शिवम छाबड़ा आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन जिसमें आने वाले 10 सालों का रोडमैप तो रखा गया, लेकिन विपक्ष पर जमकर हमला बोला गया और ये बताने की कोशिश की गई कि बीते 70 सालों में जब इनकी सरकार रही तो देश कितना पिछड़ा हुआ नजर आया, नेहरू की गलतियां क्या क्या थी। क्या आपको लगता है 400 पार जो टारगेट बीजेपी की सरकार एनडीए की सरकार दे रही है वो बिना नेहरू पर हमला बोले आप पार नहीं कर पाएंगे? नहीं, नेहरू जी पर हमला करने का विषय नहीं, विषय यह है कि जब वो अपने भाषण को कह रहे थे उसके अंदर वो भी एक सब्जेक्ट था, इसको प्रधानमंत्री ने छुआ। लेकिन सही मायने में 9 वर्षों के अंदर में और अभी पूरा कार्यकाल हम करने जा रहे हैं, जो ऐतिहासिक विकास हमने इन 10 सालों में किया है, हम उसके बलबूते जाकर के जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे। कहीं ना कहीं धारा 370 खत्म करने ऐतिहासिक निर्णय था, कभी किसी ने कल्पना नहीं करी आधुनिक भारत के अंदर की साथ देश के अंदर धारा 370 खत्म समाप्त भी की जा सकती। ऐसा कठोर और ऐसा मुझे लगता है कि सदृढ़ निर्णय यदि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है तो ये देश इसको एक्नॉलेज करता है। कहीं ना कहीं आज हम जिस दौर में बैठे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रति जो भारत का रवैया रहा है, आप कल्पना करिए दो बार सर्जिकल स्ट्राइक कर देना, ये मजबूत नेतृत्व की क्षमता को दर्शाता है। आज देश भर के अंदर में हमने गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम किया, देश भर में हमने हर नल में जल देने का हमने काम किया। आप कल्पना करिए कि इतनी योजनाएं हैं कि आज 5 लाख का बीमा आयुष्मान योजना के माध्यम से हम जनता को दे रहे हैं, ये सामान्य बातें नहीं। और यदि हम ये काम आज से 1947 से करते आते तो मुझे लगता है कि आज इस प्रकार की नौबत भी नहीं आती। तो कहीं ना कहीं पुराने कामों को दर्शाने का अर्थ ये है और उसको मुझे लगता है कंपैरेटिव बेसिस पे लाने का भी मकसद यही है कि आप पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए और आज के वर्तमान देश के जो प्रशासन को देखेंगे तो आपको ये निर्णय और दिखाई देगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री निर्णायक हैं, कठोर निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं और एक नए भारत का संकल्प जो बार बार कह रहे हैं कि आज हम फ्रेजाइल 5 से विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए, इस सामान्य स्थितियां नहीं है। इसके लिए कठोर मेहनत की आवश्यकता थी जो हमारी सरकार ने करके दिखाया है और मुझे लगता है कि आज जो सरकार, जो प्रधानमंत्री जी बार बार जिसका बखान करते हैं और कहते हैं कि अगले कार्यकाल में हम विश्व की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे, ये हमारा संकल्प है, ये हमारा टारगेट है, हम उसको अचीव करने का प्रयास करें। तो सकारात्मक रूप से देखना चाहिए उसको इस प्रकार से नहीं देखना। प्रधानमंत्री बहुत भावनात्मक व्यक्ति हैं, लेकिन जिस तरीके से शिवम छाबड़ा जी बीजेपी के स्टेटमेंट्स हैं, प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट्स हैं, फिर चाहे वो बजट हो, फिर चाहे लोकसभा हो या फिर आज राज्यसभा हो, ये तो तय है कि बार बार 400 पार का जिक्र करते हुए 400 पार के लिए आप आश्वस्त जरूर नजर आते हैं और उसको लेकर तैयारी भी वैसी ही दिखती है। रंजीत कुमार मिश्रा जी, कांग्रेस ने अंग्रेजों का कानून चलाया, दलित पिछड़े आदिवासी विरोधी रहे, नेहरू आरक्षण के खिलाफ हमेशा से रहे और देश को पीछे धकेलने का काम किया, युवराज को स्टार्टअप बनाकर दिया, वो नॉन स्टार्टर हो गए, ना लिफ्ट हो रहे हैं ना लॉन्च हो रहे हैं, कांग्रेस कहां पर फंसती हुई नजर आ रही है जब मोदी 3.0 का ऐलान कर देते हैं और कह देते हैं कि हम तो 400 पार जा रहे हैं। पूर्णिमा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं और उनको संसद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रहता है कि वो भाषण कहाँ दे रहे हैं, संसद में दे रहे हैं या चुनावी मंच पर दे रहे हैं। आज तो प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहिए था कि मणिपुर महीनों से जल रहा है तो वो मणिपुर किन कारणों से नहीं जा पा रहे हैं, उनको तो ये बताना चाहिए था कि देश में बेरोजगारी की दर इतनी अधिक है तो प्रधानमंत्री रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को तो ये कहना चाहिए था कि कभी 35 रुपए लीटर पेट्रोल देने का वादा करने वाली सरकार 100 रुपए पेट्रोल क्यों बेच रही है। कांग्रेस के समय में यदि 450 रुपए का सिलेंडर मिलता था तो इनकी सरकार में 1100 तक का सिलेंडर क्यों मिलता है, इनको तो ये बताना चाहिए था। इनको ये बताना चाहिए था कि किसान महीनों तक सड़कों पर पड़े रहते हैं और प्रधानमंत्री जी क्यों सुध नहीं लेते हैं। इनको तो ये बताना चाहिए था कि भारत की बेटियां परेशान होकर इनके घर के आगे मेडल तो क्या हुआ रंजीत कुमार जी, क्या हुआ? मुझे लगता है कि क्या हुआ, आपका फैक्स पहुंचा नहीं, बोलना चाहिए था, फैक्स पहुंच नहीं पाया सर, फैक्स मशीन खराब हो गई थी, स्क्रिप्ट आप लोग पूरी नहीं लिख पाए जो प्रधानमंत्री जी को सदन में पढ़नी चाहिए थी, या फिर आप प्रधानमंत्री के मन में नहीं घुस पाए कि भाई कह ही रहे हैं तो हमारे मन की बात कह दीजिए, हुआ क्या, ये सब हो क्यों नहीं पाया?
देखिए यही मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को जिन बातों पर संसद में चर्चा करनी चाहिए थी उन मुद्दों को छोड़कर वो इधर उधर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जबकि लेकिन उन्होंने नेहरू को आरक्षण विरोधी बता दिया। आजकल आप सबसे ज्यादा जब बात करते हैं तो कहते हैं कि आप कितने हिमायती हैं दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, आप लोग कितने हिमायती हैं। बहरहाल उसको प्रधानमंत्री सीधे सीधे नेहरू का नाम लेते हुए नकारते नजर आए। इसी बीच में जिंदल साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। आकाश जिंदल जी, एक तो इकोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव से भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी और मुझे लगता है कि पॉलिटिकली भी आप जवाब देना चाहते हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है, लेकिन इसके साथ साथ आने वाले 10 साल में प्रधानमंत्री ने देश कैसे विकास करेगा मोदी 3.0 की सरकार में, इसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने BSNL, MTNL, PSUs इन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए ये कह दिया कि लगातार भ्रम फैलाने की स्थिति की गई। LIC को लेकर भी यही किया गया। मुझे जरा अर्थशास्त्री होने के नाते और उस पर्सपेक्टिव से आप बताइए, भारत का ग्रोथ इंजन आपको कितना मजबूत नजर आता है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में? पूर्णिमा जी, बात आज आकाश जिंदल के व्यू की नहीं है, सारी दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आपने बिल्कुल सही कहा, सारी दुनिया ये मान रही है और आज डेटा बता रहा है 7.8% पहले क्वार्टर में GDP ग्रोथ थी, 7.6% दूसरे क्वार्टर में। आज दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी है। हमसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, सबसे ज्यादा तेजी से अगर कोई इकोनॉमी दुनिया में बढ़ रही है तो वो हिंदुस्तान है। आज हमारा सेंसेक्स, दुनिया भर के लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो। तो आज बात आकाश जिंदल की नहीं, सारी दुनिया ये एक्सेप्ट कर रही है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की गाइडेंस में पिछले 10 साल से इकोनॉमी को शेप दी गई है, इकोनॉमी को तरक्की दी गई है, दुनिया आज तारीफ कर रही है। IMF जैसी ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि इस साल 6.7%, आने वाले 2 साल 6.5% GDP ग्रोथ। रात्र में तो ये कह रहा हूँ कि IMF की जो एक्सपेक्टेशन है उसमें भी मैं 1% ऐड करना चाहूंगा इस बार। वोट ऑन अकाउंट, इंटरिम बजट कुछ कहें, इतना बढ़िया उसके अंदर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की गई है। 3-3 रेल फ्रेट कॉरिडोर लॉन्च किए गए हैं, उसका मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कांग्रेस की मैं बहुत इज्जत करता हूं, जो मेरे कांग्रेस के मित्र बात कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस करने का सबसे बढ़िया तरीका है रेल फ्रेट कॉरिडोर। जिस दिन से बनना शुरू होंगे उसी दिन से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बनेंगे तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग में बूम आएगा। जो प्रधानमंत्री साहब ने ख्वाब देखा है, प्रधानमंत्री साहब के साथ साथ हम सब लोगों ने ख्वाब देखा है कि हिंदुस्तान आज की तारीख में $5 trillion इकोनॉमी बनेगा, 3 साल के अंदर थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, और आने वाले 7 साल में जो है 2030 तक 7 trillion, माफ कीजिए, 2030 तक $7 trillion इकोनॉमी बनेगा। वो सब की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसमें जो प्रधानमंत्री साहब ने थीम दी है उनकी सरकार ने, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, वो सारे थीम कहीं ना कहीं फोकस सेक्टर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बताया और एक रोड मैप रखा जिंदल साहब की किस तरीके से देश आगे बढ़ना चाहिए। जाहिर है कि उसमें डिटेल्स और उसमें और एनालिसिस की जरूरत है।